Assalamu alaikum. I am Ghani, Rahim, faculty of physics of university. AMU का पेपर B.Sc का पेपर संडे को हुआ था, जिसका मैं फिजिक्स का पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन और ऑप्शन गिवन डाटा लिख दे रहा हूँ और मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ वन डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी ux -a² + bx^4, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। The angular frequency of a small oscillation about the minimum of the potential energy is equal. और ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है phi, ये बोल टू बी और बी ऑप्शन ऐसे दिया है। इसमें क्या है? इसमें angular frequency पूछा है। Angular frequency का मतलब होता है omega. Omega इस पर तो हम लोग जानते हैं ऐसे ऐसे चीज़ में, omega बराबर होता है क्या? K by m. M तो ऑप्शन में है। सिर्फ मुझे मेरा प्रॉब्लम k कर रहा है, अगर मुझे k मिल जाए प्रॉब्लम सॉल्व, तो k के लाने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो हम लोग मैथमेटिकल जानते हैं कोई भी चीज मैथ्स में मिनिमम तब होता है उसे एक बार डिफरेंशिएट करके उसे जीरो कर देते हैं, और वो जीरो करने के बाद एक पॉइंट आता है, जो जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट में हमको पता चलता है कि मैथ्स होगा या मिनिमम होगा। तो वही काम करेंगे, और मिनिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे यहां पे du / dx = 0। तो यहाँ पे du / dx करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ए du / dx लिख रहा हूँ प्लस बी एक्स एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर एक्स की पावर 3, ठीक है। अब इसको 0 पुट कर दे du / dx = 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए इंटू 2x प्लस 4b x की प्लस 4b x की। यहां से इसको जीरो पुट करेंगे, यहां से x का वैल्यू 2 आएंगे, x का मान लेंगे 2x का मान लीजिएगा, तो यहां पे आएगा माइनस से प्लस 2b x² इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू एक तो 0 आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी x² इक्वल टू आ जाएगा a/2b, यानी यहां से क्या आ जाएगा, x का दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a/2b, ठीक है। अब इस पॉइंट पे 0 पे और इस पे हम लोग क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसे दो बार डिफरेंस करने की जरूरत है कि किस पॉइंट में मैक्सिमम देगा, किस पॉइंट में मिनिमम देगा। तो मिनिमम के लिए हम लोग दो पॉइंट है, तो एक बार और डिफरेंस करते हैं इसको, तो करेंगे d²u/dx², ये देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए u/dx कहां पे, यहां पे कितना है -2ax, इसको डिफरेंस करेंगे तो -2ax का वर्ग हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 12bx². अब ये डबल डिफरेंशिएट हो गया, अब यहां से x का वैल्यू पुट कर देंगे, x = 0, तो d²u/dx² कितना आ जाएगा, इस वैल्यू पुट करेंगे तो -2, यानी ये नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट दिया था क्वेश्चन में, तो ये नेगेटिव ये बताता है कि अगर dy/dx नेगेटिव होता है तो x वैल्यू 0 पर क्या देगा, x = 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, u मैक्स पर देगा, तो मैक्स पर तो कर नहीं रहा है, मिनिमम कर रहा है, तो यानी हम दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है कि x = a/2b, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग के लिए x जो पॉइंट आ गया फॉर मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा के लिए एट x = या x² = a/2b। अब यहां से निकालने का एक्चुअली मुझे पहुंचना कहां पे, k निकालना है, और k के लिए मैंने पहले कंडीशन x² का वैल्यू निकाल लिया। अब आगे मुझे इतना मालूम गया कि एक डाटा मिल गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बात बन पाता है क्या, मुझे k निकालना है। तो हम लोग एक जानते हैं f बराबर होता है स्प्रिंग फोर्स माइनस साइन के साथ, तो kx अगर माइनस डायरेक्शन बताता है, उसी में मैग्नीट्यूड की बात करो तो k * x होता है, ठीक है। अब यहां से एक बात समझ रहा है, f बराबर k * x होता है, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए अभी एक रिजल्ट आपको मिलेगा df/dx, k x का वन हो गया, यानी एक बार डिफरेंशिएट df/dx की k दिया, तो हम लोग ये भी जानते हैं फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, किसके लिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है f इक्वल होता है -du/dx। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बात करें तो f मोर मोर लगा दीजिए या हटा दीजिए du/dx, तो यहां से जो f अगर df/dx एक्टिव है तो मुझे एक के निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए df/dx, तो इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या du/dx² वेरी गुड, df/dx क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, सही है, k जो df/dx हम लोग निकाल बैठे हैं यहां पे कितना है -2 टाइम्स ऑफ a + 12 b
इसके लिए हम लोग पढ़ना होगा था, आप लोग याद है आइडियोमेटिक स्पेस
का तो होता था वर्क डन ए से बी इसको तो पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस वन ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है सबको याद रखना है जो ड्राइव करने में टाइम लगेगा तो ये सबको याद ही रहता है तो इनिशियल क्या है यहाँ पे देखिए ये पॉइंट देखिए पी इनिशियल पी वन वी इनिशियल पी वन यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन ए से बी के लिए पी वन वी वन माइनस वर्क डन बी के लिए देखिए तो पी टू वी टू अपॉन गामा गामा मोनोटोनिक दिया है तो मोनोटोनिक के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है 5 बाय 3 तो यहां पे 5 बाय 3 माइनस 1 यहां से हम लोग अब देखिए ऑप्शन में कैसे दिया अच्छा अगर ऑप्शन में करते तो जीरो तो होता ही नहीं करते रहते क्योंकि भाई इसके लिए जीरो सकता है इसके लिए तो पी पी और बी का एरिया जो देता है क्या देता है वर्क डन होता है तो इसका जो एरिया देता है मतलब होगा तो ये तो जीरो हो नहीं सकता था अब पी वी टू माइनस बी वन इसके लिए नहीं होता है ये कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए होता है तो कॉन्स्टेंट प्रेशर तो है नहीं आइडेंटिटी कंप्रेशन प्रेशर है जैसे बात अब मुझे फंसा ए और बी अगर ए और बी को करना है अब देखिए यहाँ पे माइनस टू ए माइनस ये बताता है कि कंप्रेशन है मतलब वर्क डन निगेटिव है या निगेटिव लिखे या कंप्रेशन लिखे दोनों बात इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ से है पी वन बी वन को कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए ऊपर से पी वन बी वन कॉमन लीजिएगा क्या जाएगा पी वन बी वन कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस पी टू बाई वी टू अपॉन पी वन वी वन और इसका एलसीएम लीजिएगा कितना जाएगा 3 2 बाई 3 यानी यहाँ से अगर कहें 2 बाई 3 पी वन वी वन 1 माइनस पी टू बाई पी वन इंटू वी टू बाई वी वन ठीक है वेरी गुड अगर कोई लड़का अगर इतना समझ में आ गया तो कहा कि यहाँ का तो सेम है यहाँ का तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ प्रॉब्लम बस रहा था तो 2 बाई 3 क्या रहा था तो मैं तो ऑप्शन नहीं मार रहा था आंसर इस ए भी है आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब इसमें हम लोग पी टू बाई पी वन को हटाना एलिमेंट करना है कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं जब आइडेंटिटी कंप्रेसर होता है तो पी वी के पावर गामा को कॉन्स्टेंट होता है ठीक है यहाँ से पी वन वी वन के पावर गामा पी टू वी टू के पावर गामा तो यहाँ से अगर किया जाए पी टू बाई पी वन चाहिए ना तो पी टू बाई पी वन करेंगे तो पी टू बाई पी वन करेंगे तो वी वन बाई वी टू के पावर गामा गामा कितना है 5 बाई 3 अब ये वाली यहाँ पे पुट करिए यहाँ पे पुट करने के बाद हम लोग का वर्क डन जो आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा 2 बाई 3 पी वन वी वन 1 माइनस वी वन बाई वी टू के पावर 2 बाई 3 जाइए बात है कोई क्वेश्चन है बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन अरे पूरा कर लेंगे और नहीं था तो ये नहीं होगा अब बी ऑप्शन है यहाँ पे माइनस 3 बाई 2 अरे यहाँ पे गलत हो जाएगा 5 3 2 बाई 3 तो 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा सर 3 बाई 2 ये कल तो समझ लेंगे तो बहुत बड़ी इशू नहीं 3 बाई 2 ठीक है ओके ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया है व्हेन एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सी द वाटर इन द लेक स्टार्ट फ्रीजिंग द टाइम टेकन बाय आइस टू ग्रो ए थिकनेस वाई एट एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर माइनस 30 डिग्री सी और ये ऑप्शन दिया है देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया है कह रहा है एक लेक है अगर इसका टेंपरेचर 0 डिग्री हो रहा है एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर कितना हो रहा है इनिशियली अगर 0 डिग्री हो जा रहा है तो ये क्या कर रहा है मेल्ट करना तो फ्रीज करना शुरू हो जा रहा है यानी और देखिए ये लेक होता है तो ऊपर का सरफेस सबसे पहले फ्रीज होता है तो और इसमें दिया है प्रॉपर्टी दिया है कि थर्मल डेंसिटी दिया है रो डेंसिटी दिया है एरिया ये सब दिया है ए ऑप्शन दिया है तो कह रहा है कि अगर नीचे क्या वेरिएशन होगा अगर नीचे वाई डिस्टेंस लाकर अगर हम लोग क्या करें कि कैसे मतलब मेल्ट होगा क्या रेट होगा क्या टाइम लगेगा कि ऊपर से नीचे वाई आने के लिए तो अगर ये 0 डिग्री सी हो गया और इसका टेम्परेचर माइनस थीटा डिग्री हो जा रहा है तो क्या रेट होगा तो आप समझ रहे हैं कि जो इससे जो फ्रीज होगा जो फ्रीज होगा तो किस वाटर से आइस कन्वर्ट होगा यानी इसका लेटर हीट का कन्वर्जन है तो इसमें वाटर फिर चेंज होना है तो फिर चेंज होने के लिए जितना हीट यहाँ से बाहर जाएगा उतना ही हीट इसका मतलब इसका हीट कम होगा तो जाहिर से हम लोग कह सकते हैं एल वी नो डेट एल वी नो डेट अगर डी क्यू ओवर डी टी क्यू ए हीट है इज इक्वल टू माइनस आने सब के ए डी टी अपॉन या डी थीटा अपॉन डी वाई क्योंकि वाई के में वेरिएशन आ रहा है अगर यहाँ पे क्यू की भी क्यों तो अब कह रहा है कि वाटर में करना है तो वाटर में बन रहा है तो एम एल हो जाएगा तो अगर हम लोग रखे डी एम एल अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के रखेंगे एरिया तो एरिया दिया थीटा थीटा माइनस दे रहा है फाइनल दे रहा है जब टेम्परेचर कितना होता है माइनस थीटा डिग्री सी इनिशियल जीरो है अपॉन डी वाई ठीक है वेरी गुड अब हम लोग जानते हैं मास बराबर क्या होता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन
मास कौन बोलूं, तो अगर मैं छोटे से स्ट्रिप के लिए अगर मैं डीएम निकालना चाहूं तो इसको करेंगे एल डीएम बाई डीटी इक्वल टू माइनस के ए माइनस थीटा अपॉन डी वाई यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इस छोटे से स्ट्रिप के लिए कितना इसका मास होगा डीएम मास, इसका डीएम मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे डीएम मास बराबर वो अपॉन वॉल्यूम। तो डीएम इज इक्वल टू इसका एरिया एल दिया है और ये वाला डी वाई दे दिया है, ये कितना दिया है डी वाई, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा डीएम बाई एरिया कितना, इसका आ जाएगा डीएम कितना आ जाएगा ए रो इंटू वी, रो तो रो है वी को लिख सकते हैं एरिया इंटू डी वाई, एरिया इंटू नहीं नहीं वाई डिस्टेंस से कर रहे हैं, यहां से वाई डिस्टेंस कर रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा ए इंटू वाई, डीएम का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि ऊपर से हम प्रिंसिपल वाई ले रहे हैं तो ये वाला हम लोग का वॉल्यूम देना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएम बराबर पुट कर देंगे तो ए हो गया एल लैटेंट हो गया, डीएम बराबर रख देंगे रो ए वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, डी टी को इधर बोल दीजिए के ए थीटा डी टी आगे यहाँ से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या बचा y dy बच गया k थीटा अपॉन रो एल ए रो एल अपॉन ए इनटू dt। अब कह रहा है कि इंटीग्रेट कर देंगे y जब 0 है, y 0 है t टाइम पे 0 है, जैसे जैसे t टाइम पे क्या हो जाए y हो जाए, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन y dy का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां 0 से y, वेरी गुड। आई हो गया k थीटा इसका तो कांस्टेंट है रो एल ए इनटू डी टी का जो हो जाएगा टी और लिमिट पड़ेंगे टी हो जाएगा, यानी यहां से हम लोग आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू रो एल ए अपॉन k थीटा 2 टाइम्स इक्वल टू टी, ए टी का रिलेशन पूछा है रो एल ए अपॉन 2 k थीटा इनटू y स्क्वायर। और ये डायरेक्ट मैं अपने बच्चों को डायरेक्ट ये तो कांस्टेंट टर्म है, मैं डायरेक्ट क्लास में भी ये बोला था कि t डायरेक्टली परमिट टू लिख सकते हैं y स्क्वायर, यानी इसको कांस्टेंट मान लेते हैं t बराबर c y स्क्वायर और c का वैल्यू क्या होगा ये ऑप्शन कौन सा है। अच्छा अच्छा यहां से a एक बन जाएगा, ये भी a था k थीटा यहां पे भी a था, a एक गुजर जाएगा a एक खत्म हो जाएगा a के ठीक है। तो यहां से t बराबर c स्क्वायर का c क्या है रो l अपॉन 2 के थीटा y स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है रो l 2 के थीटा y स्क्वायर ऑप्शन नंबर ये। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने क्लास में भी कराया था, इसको क्वेश्चन भी कराया था, तो ज्यादा इतनी डाउट नहीं था मेरे बच्चे के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 71 दिया है अ मास इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स स्मॉल m एंड m - 2, एक कैपिटल मास m है इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है स्मॉल m एंड m - 1 दूसरा पार्ट हो गया व्हिच आर देन सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस मान ली तो मतलब पीछे डिस्टेंस r मान लिया ठीक है। व्हिच रेशियो m / m मैक्सिमम द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है ये डायरेक्ट ये तो सबको मालूम होता है, जितने बच्चे ग्रेविटेशन का नाम भी सुनोगे मेरे क्वेश्चन किए होंगे, तो इसमें देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है g m1 m2 पाई r स्क्वायर ठीक है ये स्मॉल m। अब कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे स्प्लिट करे कि दोनों का बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन बताया था मैं समझने के लिए क्या करता एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पे वेरिएबल हमारा स्मॉल m है क्योंकि कैपिटल m तो दिया है गिवन देता है, तो हम लोग फॉर मैक्सिमम के लिए बात करेंगे फॉर मैक्सिमम के लिए df dm इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां पे g / r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये करेंगे तो m को करेंगे तो 1 आ जाएगा m माइनस m रहेगा प्लस m माइनस अब m को बाहर रखेंगे और m माइनस m को करेंगे तो m का 0 होगा कांस्टेंट है माइनस m का माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए कितना आ जाएगा m माइनस ये भी डिवाइड होगा तो मतलब 0 हो जाएगा m माइनस स्मॉल m माइनस स्मॉल m इक्वल टू 0 यानी m बराबर 2m यानी किसका रेशियो क्या है कैपिटल m / स्मॉल m यानी कैपिटल m / स्मॉल m / कैपिटल m = 1/2 तो रिलेशन कौन सा आ गया ये सबको मालूम था सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन 6 लेवल द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल बी,
इतना दिया है और ये क्वेश्चन दिया है, तो बहुत ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट था। देखते हैं ये कह रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है 6 टाइम्स द डिगोगी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड। ग्राउंड में स्ट्रक्चर मतलब होता है बराबर, चलिए बहरहाल वेवलेंथ n बराबर 6 लेवल का दिया है, तो हम जानते हैं डिगोगी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल होता है h / mv, h कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, v हम जानते हैं, vn इक्वल टू डायरेक्ट रिजल्ट है, आप सॉल्व करके सबको याद आता है 2.19 × 10⁶ / n, तो यहां से vn जो हो जाएगा इनवर्ट, vn क्या हो जाएगा इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू n, सिंस लैम्डा जो है इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू vn है, तो देयरफॉर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज ना उल्टा है तो n हो जाएगा, यानी अगर हम लोग लिखे लैम्डा 1 / लैम्डा 6 का बात कर रहे हैं इक्वल टू n1 / n6, तो लैम्डा 1 लैम्डा मान लीजिए, लैम्डा 6 निकालना है आप 1/6, यानी लैम्डा 6 जो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 1 तो लैम्डा 1 मतलब 6 टाइम्स ऑफ द डिगोरी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, टू डिस्क आर रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा एंड ओमेगा हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड 2i अबाउट देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस, दे आर नाउ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोसाइन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने बच्चों को कराया था, देखिए इसमें कह रहा है कि दो डिस्क है, एक डिस्क 2 ओमेगा से और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है आई दिया है, दूसरे का i दूसरे का 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i और एंगुलर स्पीड ओमेगा, अब इसको अगर कह रहा है कि इसको दोनों को एक साथ मिला दिया गया, जब दोनों को क्या कर दिया गया, दोनों को फेस टू फेस एक मिला दिया गया, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी जब मास है तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पे i + i 2i 3i हो जाएगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा 3i, और मुझे नहीं मालूम इसका ओमेगा क्या होगा, तो मैंने इसका ओमेगा डैश मान लिया, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर सकते हैं, क्योंकि कोई तर्क है नहीं, कुछ बात कर नहीं रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, आई एंगुलर मोमेंटम हम रीड बॉडी का जानते हैं क्या होता है i ओमेगा, पहले के लिए कि i तो i है ओमेगा की जगह पर 2 ओमेगा, दूसरे के लिए i 2i है ओमेगा, फाइनल के लिए i का कितना हो गया दोनों का कंबाइन 3i और ओमेगा मैंने मान लिया ओमेगा डैश, तो यहां से आ जाएगा 2i 2i होगा, यानी 4i ओमेगा इज इक्वल टू 3i ओमेगा डैश, यहां से हम लोग क्या कर दिया i से i के कैंसिल कर ओमेगा डैश निकल गया, यानी 4/3 i 4/3 ओमेगा, अब कह रहा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले हम लोग जानते हैं रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है इनिशियली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों के लिए इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्ट ऐड कर देंगे हाफ आई ओमेगा का जगह कितना है 2 ओमेगा इनिशियली प्लस दूसरे के लिए हाफ आई 2i इसका 2i * ओमेगा सॉल्व कीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 4/2 4/2 2 3 3i ओमेगा स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ गया हमारा 8i ओमेगा स्क्वायर / 3 सही अब लॉस पूछ रहा है तो 3i ओमेगा स्क्वायर एक कम होगा लॉस होगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा या आ जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे काइनेटिक एनर्जी लॉस लिख रहे हैं तो इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल कितना आया 3i ओमेगा स्क्वायर माइनस फाइनल कितना आ गया 8i ओमेगा स्क्वायर / 3 ऐसे मिल गए 9 9 में से लिया 1 यानी i ओमेगा स्क्वायर / 3 ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 दिया है इन अ सर्किट एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन द सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एट across L is equal to VL is equal to दिया 80 volt और C के across 35 volt और R के across 50 volt तो पूछा है the supply voltage will be supply voltage का ऑप्शन दे दिया
वो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉपी करा थोड़ा सा डाटा चेंज था, इग्नोर कर लेते चेंज था, अप्रोच चेंज था। हम लोग जानते हैं अगर वी को लिख सकते हैं, वी का क्या होता है आई, यहां पे आई आर का क्या होता है इंपिडेंस से जेड आता है, और ये भी करके तो सबको मालूम है इसी में जेड क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। लिखो यहां से वी को अगर आई का अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा आई इनटू आर ए स्क्वायर का अंदर जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर से बाहर बाहर का अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा एक्सएल आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं वोल्टेज वीएल क्या होता है एल इनटू एक्सएल, इसके कॉरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस वीसी का होता है सी, वीसी का क्या होता है आई इनटू एक्स आई इनटू एक्स एक्सएल, इसके कॉरस्पोंडिंग होता है आई इनटू एक्ससी, इसके कॉरस्पोंडिंग होता है आई इनटू आर। तो अपुट कर दीजिए वैल्यू, यानी वी का वैल्यू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई आर का ऊपर वी आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सब वैल्यू गिवन डाटा था डायरेक्ट एंड रिजल्ट सब मैं इस टाइप का दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसे टफ टफ ये तो बहुत कुछ इजी था। वी आर कितना दिया है 50 का स्क्वायर प्लस वी एल कितना दिया है 80 माइनस 35, तो 80 माइनस 35 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा वी जो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर ठीक है प्लस 80 माइनस 35 45 का होल स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका आता है कितना सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन करने का आएगा यहां से स्क्वायर करने के बाद v कितना आ गया तो v यहां से आ जाएगा हमारा v आ जाएगा 2500 यानी 45000 वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज एज गिवन इन द ग्राफ v दिया है और t दिया है। पूछा क्या है the height to which the lift takes the passenger is यानी एक्चुअली अगर हम लोग से डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना हाइट गया और v और t दिया है तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो होता है क्या होता है ds by dt, अगर ds लिखें तो v into dt, ये मालूम है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया अंडर कर्व वी एन टी सिंपल इसके ऐसे एरिया लेंगे क्योंकि इसमें हाइट चाहे नेगेटिव एरिया है नहीं तो हम लोग को हाइट अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो एरिया लेंगे तो रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 हाइट कितना हो गया 3.6 प्लस रेक्टेंगल का हो जाएगा 8 इनटू हाइट इसका हो जाएगा 3.6 प्लस 1/2 2 इनटू 3.6 ये हम लोग का आ जाएगा 3.6 तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 66 दिया है। हम लोग का 50 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC दे दिया 10 ओम एंड EMF ऑफ सोर्स V दे दिया हम लोग का 20 sin 100 pi t। तो पूछा क्या है फाइंड द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम इन द सर्किट यानी हम उसे फाइनली करंट पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने 10-15 अपने क्लास में कराए हैं और हाल ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें I पूछा है तो मैं बोला था I कैसे लिखते हैं वी नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे वी नॉट क्या हो जाएगा तो हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो वी इक्वल टू होता था वी नॉट साइन ओमेगा टी तो यहाँ पे देखो वी नॉट कितना कितना गया 20 यहाँ वी कितना हुआ वी है तो वी नॉट कितना आएगा 20 वेरी गुड और ओमेगा कितना हुआ कितना जाएगा ओमेगा टी 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 का कोएफिशिएंट हो जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा 100 पाई ठीक है। अब मुझे फाई निकालना फाई क्या है फेज तो हम लोग जेड निकालना और फाई निकालना वी नॉट तो मिल गया तो फाई के लिए हम लोग देखे थे अगर हम लोग याद है तो ये आर होता था
ऊपर एक्स एल होता था, नीचे एक्स सी होता था, ठीक है। आर तो है नहीं तो आर हटा दीजिए, लेकिन फाई क्या था, तो फाई के लिए हम लोग एक्स आर से एक्सिस ले लेते थे, आर से एंगल लेते थे। तो यहाँ पे अगर देखें एक्स एल दिया है 50 और एक्स सी दिया है 10, तो हम लोग इस केस में डायरेक्ट ऐड करते थे। तो अगर इसको हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो यहाँ पे आ जाएगा XL माइनस XC इक्वल टू 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40 ओम। तो ये R से कितना एक डिग्री पे हो गया, पाई बाई टू, यानी हम लोग इस केस में फाई कितना हो जाएगा पाई बाई टू, फाई तो मिल गया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर XL 10 होता और XC 50 होता तो नीचे वाला ज्यादा होता, तो हम लोग उस केस में फाई माइनस पाई बाई टू आता, बराबर इसमें कितना आ गया पाई बाई टू, वी नॉट मिल गया, फाइव मिल गया, ओमेगा हमको मालूम है, सिर्फ जेड चाहिए, तो जेड तो नहीं हो जाता है, जेड का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आर इसमें है ही नहीं, एक्स जीरो है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी जेड जो आया क्या आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है एक्स एल माइनस एक्स सी का वैल्यू कितना है 40, कुछ नहीं अब पुट कर देंगे, तो I यहां से जो आ जाएगा V नॉट कितना है 20, वेरी गुड, Z कितना है 40, वेरी गुड, sin ओमेगा के बराबर 100 pi माइनस पाई बाय 2, तो हम लोग का वेरिएशन हम करें कैसा आ गया ये, तो 20 से कट जाएगा 2, तो 1 बाय 2 क्या हो जाएगा I 1 बाय 2 sin 100 pi t माइनस पाई बाय 2, तो ऑप्शन कौन सा होगा 1 बाय 2 sin 100 pi t माइनस पाई बाय 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, इन द सर्किट शोन इन फिगर द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी, इसमें सिंपल एमीटर का रीडिंग पूछा है और गिवन दैट है ये ऑप्शन है, तो यहां से अगर करंट गया तो फाइनली यहां पे करंट इन करेगा, तो देखिए अगर आप लोग इस केस में देखिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो V इक्वल क्या होता है I इनटू R इक्वल, V मुझे मालूम है I निकालना है, R इक्वल मिल जाए फॉर्मूला सॉल्व, R इक्वल भी कैसे तो देख लीजिए, आर इक्विवेलेंट ये मैं पहले क्लास में बोला था, जब पांच रेसिस्टेंस मिले तो इसके बारे में सोचना पहले म्यूटेशन मिले, और इसकी इसके बारे में देखे तो 10 × 10 100 10 × 10 100 यानी म्यूटेशन मिले को फॉलो कर रहा है ये कैंसिल, ये भी बोला था अगर सबका आर 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 होता है तो इसका आर इक्विवेलेंट भी कितना आता है आर, यानी आर इक्विवेलेंट इसका कितना आएगा 10 10 10 है तो 10, वेरी गुड, अब ये 10 हो गया तो इसके बदले में एक रेसिस्टेंस बना दें, अगर इक्विवेलेंट बनाना चाहिए तो यहां पे हो गया कि पांचों बदले में एक ओम एक रेसिस्टेंस आ गया 10 ओम का, अब ये देखिए एक 10 ओम एक 8 ओम 10 ओम किस में है सीरीज में है 10 10 20 इन दोनों बदले में कितना जाएगा 20 ओम का 20 ओम, अब इसको हम लोग कलेक्ट कलेक्ट कर दे वोल्टेज से बहुत इजी क्वेश्चन पसंद था ये हो गया 12 ओम, तो अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल का मान होगा अपन आर होगा ब्रैकेट में, यानी इसे 10 इनटू डायरेक्ट रिजल्ट 20 अपॉन 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा 20 30 20 बाय 2, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 20 बाय 3, तो V इक्विवेलेंट देख सकते हैं 12 बी के जगह 12 वोल्ट आई निकालना है, आर कितना है 20 बाय 3, 4 3 जा 4 5 जा, यानी आई आ जाएगा 3 × 3 9 अपॉन 5, यानी आई हम लोग कितना आएगा 1.8 यही हम लोग का आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा 1.8। क्वेश्चन नंबर 63 की दिया है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज के, यानी टी हाफ एक रेडियोएक्टिव मटेरियल कितना दे दिया है की, वेरी गुड, द फ्रैक्शन दैट वुड रिमेन आफ्टर के बाय 2, अब कह रहा है टी बराबर के बाय 2 पे कितना फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग बचेगा, ये ऑप्शन दिया है कोई बात नहीं, तो हम लोग जानते हैं इसे करने का दो तरीका है, मैंने अपने क्लास में डायरेक्ट किया था आफ्टर एन हाफ लाइफ के बाद जो फ्रैक्शन ऑफ निकलाई लेफ्ट रहता है बचा रहता है क्या होता है 1/2 के पावर एन, एन क्या होता है टी हाफ यानी के अपॉन टी कितना है के बाई टू, यहाँ पे एन कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ पे एन होता है के बाई टी बाई टू अपॉन के, यानी एन कितना आएगा 1/2, n आएगा आपका 1/2, अगर मैं इस फॉर्मूला में डाले उधर करूं तो 1 आएगा 1/2, यानी 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं
स्क्वायर रूट ये डायरेक्ट दे दिया था, लेकिन इसका मेथड भी हम लोग समझे, इसका ऑप्शन हो गया सी। और इसका बेसिक मेथड है, इसका बेसिक मेथड है ये डायरेक्ट रिजल्ट था, बच्चों को मैंने दिखाया था तो आ गया। हम लोग जानते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो बेसिक फार्मूला होता है dN dt - sin के साथ इक्वल टू लैम्डा टाइम टाइम्स ऑफ n। अगर इसको मैंने इंडिकेट करने के बाद क्या आता है, n नॉट e के पावर -λt। अगर फ्रैक्शन का बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, n / n नॉट कर देंगे, ये बन जाएगा e के पावर -λt, e पावर -λt। अब ये हम लोग ये भी जानते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि t हाफ जो होता है ln 2 / ln 2 / लैम्डा, यानी t हाफ को समझ जाए कितना k, वेरी गुड। यहां पे k पुट कर लीजिए ln 2 / लैम्डा, यहां से लैम्डा वैल्यू क्या आ जाएगा ln 2 / k, वेरी गुड। अब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट, इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये सेकंड मेथड है जो बेसिक है, सेकंड मेथड इनपुट इक्वेशन 1, तो आ जाएगा n / n नॉट लेफ्ट के लिए e के पावर माइनस लैम्डा का क्या लिख सकते हैं ln 2 / ln 2 / k इनटू t। अब कह रहा है कि कितने t इक्वल टू k / 2 पे कितना रह जाएगा, t इक्वल टू k / 2, t की जगह पुट कर दे k / 2 n / n नॉट जो आ जाएगा e के पावर माइनस ln 2 / k इनटू k / 2। आफ्टर सॉल्विंग यहां से डायरेक्ट आ जाएगा 1 / 2। क्वेश्चन नंबर 62, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ मटेरियल व्हिच वर्क फंक्शन इज 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन फाई के लिए दिया 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4.36 × 10⁻⁷ मीटर। अगर इसे वेक्टर में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4360 एंगस्ट्रम। पूछा क्या द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी पूछा है, वेरी गुड, वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी के लिए तो हम लोग जानते थे जो एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी एससी / लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट बात है ना, यही एनर्जी वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। अगर हम लोग चेंज करें एससी / लैम्डा तो हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्स 12400 लैम्डा इन एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में कितना है 4360, ये वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इक्वल टू फाई कितना दिया है, फाई दिया है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद 12.46 को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा ये माइनस कर दो तो आ जाता है कितना 1. ये इधर आकर माइनस होगा तो 1.604 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ mv2। अब m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो सबको मालूम है कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.01 × 10⁻³ केजी। अब मल्टीप्लाई कर देना सिंपली तो यहां से आ जाएगा 2 × 1.604 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, को जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है -90 / m से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.1 × 10⁻³ = v2। यहां से v2 का जो वैल्यू आएगा, v2 का कितना वैल्यू आ जाएगा 5.6404 × 10⁻¹, यानी v इक्वल टू अप्रोक्स आ जाता है 751.02 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर में आएगा अप्रोक्स हो रही है वैल्यू है, तो हम लोग ऑप्शन भी बहुत दूर है तो मेरा आंसर रिक्वायर्ड सी बी, सॉरी बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, गिवन दैट है वाटर फ्लोस थ्रू ए ओरिएंटल पाइप, एक ओरिएंटल पाइप है जिसमें क्या हो रहा है वाटर फ्लो कर रहा है, नो डाउट, ठीक है वाटर फ्लो कर रहा है। द एरिया ऑफ क्रॉसन एट वन प्लेस इज 10 cm² एंड वेलोसिटी 1 m/s एंड प्रेशर 2000 pascal, एट अनदर प्लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 cm², व्हाट विल बी द प्रेशर एट द सेकंड प्लेस, ठीक है।